तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस गाइस गाइस, आज फाइनली टाइम आ चुका है जब हम लोग टाउन हॉल 12 से टाउन हॉल 13 के ऊपर जाने वाले हैं, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड पहले तो यार मैं टाउन हॉल को साइड में लेके आता हूँ। एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना टाइम बचा है, अभी 4 दिन 6 घंटे। सो अभी हम लोग ऐसा करेंगे, इसको जेम करेंगे। एंड जेम्स कितने लगने वाले हैं, 663। एंड हमारे पास कितने हैं, 695। एंड हम लोग टाउन हॉल 12 से टाउन हॉल 13 क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यार जो यहाँ पे ट्रेडर इवेंट चल रहा है ना, ये अपना वेस्ट चला जाएगा। यहाँ पे फ्री की बुक ऑफ हीरो अपने को नहीं मिल पाएगी। सो चलते हैं गाइज, इसको करते हैं हम लोग का टाउन हॉल 13। एंड 1 2 3 बूम। सो ये हो गया गाइज अपना टाउन हॉल 13। एंड गाइज अभी अपने को यार टाउन हॉल 13 के साथ बहुत कुछ न्यू मिला है, अपने पास बहुत कुछ है गाइज। यहाँ पे एलिक्सर देख सकते हो फुल है, मेरे पास गोल्ड भी यहाँ पे फुल है। एंड हमारे पास हैमर्स भी हैं, मैजिक आइटम्स भी हैं। एंड यहाँ पे सीजन चैलेंजेस के रिवॉर्ड्स भी बहुत सारे हमारे पास बचे हुए हैं। सो इन सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो यार आज की इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, सो लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप लोग यार बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हाँ यार, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, नोटिफिकेशन बेल दबाने से बंदा चैनल पे फर्स्ट आता है। आज की इस वीडियो पे लाइक कैम करते हैं 401 लाइक का। और हाँ यार, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए गाइस दोनों पैर से छलांग लगाते हैं चलिए वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। एंड चलते हैं भाई सब शॉप में एंड आर्मी में चलते हैं। एंड यहाँ पे आ गए गाइस अपना न्यू हीरो रॉयल चैंपियन। एंड इसको बिल्ड कर लेते हैं हम लोग यार सबसे पहले। ओके गाइस, अपना न्यू हीरो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। एंड अभी चलते हैं डिफेंसिस में। डिफेंसिस में अपने को क्या मिल रहा है यार, यहाँ पे स्कैटर शॉट, दो स्कैटर शॉट मिल रहे हैं। इसको हम लोग यार बाद में बिल्ड करेंगे, पहले डिफेंसिस में चलते हैं। ओके, तो पहले हम लोग यार स्मॉल बॉम्ब को बिल्ड कर लेते हैं। एंड साइड में ले जाता हूँ यार इसको एंड ट्रैप्स के पास। एंड ये आ गया भाई साहब अपना यहाँ पे स्मॉल बॉम्ब। एंड इसको कर दिया हम लोगों ने बिल्ड। अभी कर लेते हैं हम लोग यार यहाँ पे सीकिंग एयर माइन ट्रैप्स में। एंड इसको भी, ये भी होगी अपनी यहाँ पे बिल्ड। सो अभी अपने को क्या करना है गाइस, स्कैटर शॉट। अभी शॉप में हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ यहाँ पे स्कैटर शॉट बचे हुए हैं, दो स्कैटर शॉट हैं। क्या इनको बिल्ड करना है, रुको रुको रुको, पहले हम लोग यार बेसिक चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। एंड किसको करूँ, पहले लेबोरेटरी कहाँ पे है भाई साहब अपनी, लेबोरेटरी। अबे लेबोरेटरी कहाँ गई मेरी। ओके, तो ये रही यार लेबोरेटरी, इसको मैं साइड में ले आता हूँ यार पहले। एंड पहले हम लोग यार लेबोरेटरी को करेंगे, ठीक है। इसको अपग्रेड के ऊपर लगा देता हूँ, 80 लाख एलिक्सर लगने वाला है। एंड ये गई भाई साहब अपनी लेबोरेटरी। क्या इसको बुक मारूँ, नहीं, बाद में करेंगे इसको यार। एंड अभी हमारे पास यार सीजन चैलेंजेस में भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स यार यहाँ पे बचे हुए हैं। क्या हमारे पास यहाँ पे बुक ऑफ बिल्डिंग है, बुक ऑफ बिल्डिंग नहीं है यार यहाँ पे। ओ माय गॉड, हमारे पास बुक ऑफ बिल्डिंग तो है ही नहीं, वरना मैं बुक ऑफ बिल्डिंग यूज़ करने वाला था यार अपनी लेबोरेटरी के ऊपर। सो अभी हम लोग यार यहाँ पे बुक ऑफ एवरीथिंग को क्लेम कर लेते हैं। एंड क्या बुक ऑफ एवरीथिंग मारूँ इसके ऊपर, रुको यार इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा बुक ऑफ एवरीथिंग को। अभी हम लोग ऐसा करते हैं ना, अपने हीरोज़ कहाँ पे है। एंड ये रही अपनी क्वीन, क्वीन को मैं साइड में लेके आता हूँ यार पहले। एंड क्वीन आ गई है अपनी यहाँ पे, एंड क्वीन को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यार इसको हैमर मारेंगे। एंड ये होगी भाई अपनी क्वीन लेवल 66 की, क्वीन लेवल 66 की अपनी हो चुकी है। एंड अभी हमारे पास 1,32,000 एलिक्सर है यहाँ पे। एंड अपने को क्वीन को ज़्यादा चाहिए, तो अभी हम लोग ऐसा करेंगे ना, क्या करें, अपने पास यहाँ पे रून ऑफ डार्क एलिक्सर तो है, लेकिन पहले अपने को यार डार्क एलिक्सर कहीं पे यूज़ करना है, तभी अपने को ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा उस रून का। सो ऐसा करते हैं ना गाइस, क्या करें यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अपने को यार यहाँ पे रॉयल चैंपियन को लेवल 2 के लिए लगाना पड़ेगा। एंड अभी मैं बुक ऑफ हीरो भी क्लेम नहीं कर पा रहा। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग यार रॉयल चैंपियन को लगा देते हैं लेवल 2 के लिए। 1,04,000 यहाँ पे एलिक्सर लगने वाला है, सॉरी 1,04,000। एंड ये लगा दिया हम लोगों ने अपना रॉयल चैंपियन यहाँ पे। एंड अभी हम लोग ऐसा करेंगे ना, अपना रून ऑफ डार्क एलिक्सर को यूज़ करेंगे। पहले मैं क्लेम कर लेता हूँ, ये आ गई अपनी रून ऑफ डार्क एलिक्सर। एंड इसको यूज़ कर देंगे रून ऑफ एलिक्सर। ओ भाई इसको नहीं, इसको बाद में करता हूँ मैं, सेल नहीं करना यार अपने को। तो चलते हैं यार फिर से, कहाँ पे है यार मेरी रून ऑफ डार्क एलिक्सर को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड डार्क स्टोरेज कहाँ पे है यार। ओ भाई साहब अपने को यार यहाँ पे अपनी डार्क स्टोरेज ही नहीं मिल रही है, कहाँ पे गई यार मेरी डार्क स्टोरेज, होगी हमारे सामने ही लेकिन अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एंड सीसी को करेंगे, रुको यार सीसी को हम लोग यार बाद में करेंगे, और क्या कर सकते हैं। एंड लेबोरेटरी को, बुक ऑफ एवरीथिंग यूज़ करनी पड़ेगी आई थिंक यार मुझे बाद में। एंड कहाँ पे है यार मेरी डार्क स्टोरेज, ओके तो ये रही यार अपनी डार्क स्टोरेज, कर देता हूँ मैं यहाँ पे रून ऑफ डार्क एलिक्सर को यूज़। एंड अभी हम लोग ऐसा करेंगे, क्वीन को कर देते हैं लेवल 67। एंड ये गई लेवल 67 के लिए। एंड ये यूज़ कर दी हम लोगों ने यहाँ पे बुक ऑफ हीरो, क्वीन अपनी लेवल 67 की हो चुकी है।
सो अभी हमारे पास डार्क लिक्जर तो नहीं है गाइस, डार्क लिक्जर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। एंड रिवॉर्ड्स में चलते हैं, यहाँ पे बुक ऑफ हीरो अपने को क्लेम नहीं करनी है क्योंकि अपने को फ्री वाली करनी है क्लेम। एंड फ्री वाली बुक ऑफ हीरो मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया है। एंड अभी क्या करेंगे गाइस, अभी हमारे पास बहुत कुछ है यार अपग्रेड करने को, 3 बिल्डर हमारे पास फ्री है, क्या करूँ क्या ना करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम लोग यार सीसी को करते हैं, ठीक है, लेवल 45 यानी कि 45 का स्पेस हो जाएगा अपना। एंड ये गया भाई अपना सीसी लेवल 9, किस लेवल का हुआ यार, लेवल 9 का, हाँ लेवल 9 का हो गया अपना सीसी। तो यार सीसी तो हम लोगों ने यार लेवल 9 का कर लिया, सो अभी अपने को नेक्स्ट क्या करना है, देखो क्वीन को हम लोगों ने 2 लेवल अपग्रेड कर लिया यहाँ पे, सीसी को 1 लेवल अपग्रेड कर लिया यहाँ पे। एंड शॉप में चलते हैं, हमारे पास मेडल्स हैं यार यहाँ पे, हेमरो बिल्डिंग कौन सी लें यार, हेमरो बिल्डिंग लेनी पड़ेगी गाइस। एंड हाँ हेमरो बिल्डिंग ही लेनी पड़ेगा, इसको हम लोग यार बाद में लेंगे। एंड हेमरो बिल्डिंग को यूज़ कहाँ पे करना है यार अपने को, एंड क्या यहाँ पे बुक ऑफ एवरीथिंग यूज़ करनी पड़ेगी, कर देते हैं यार, चलो बुक ऑफ एवरीथिंग करूँ या ना करूँ, रुको यार अभी नहीं करूँगा मैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि इस चीज़ को अपग्रेड करूँ कि इस चीज़ को ना करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है गाइज। एंड ओके हम लोगों ने हैमर ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे ले लिया है, सो भी अपने को क्या करना चाहिए। एंड पहले तो यार मैं यहाँ पे बुक ऑफ एवरीथिंग यूज़ करूँ या ना करूँ यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है मुझे अभी, कर ही देते हैं यार, चलो होगी गाइज अपनी लैबोरेटरी भी अपग्रेड, लेवल 11 की हो चुकी है लैबोरेटरी। एंड कौन सा ट्रूप करें भाई साहब सबसे पहले, चलो यार इसको करेंगे हॉग राइडर को। एंड ये हो गया हॉग राइडर लेवल 10 का। एंड देख सकते हो यार हथौड़े का चेंज कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, हथौड़े का कलर यार काफ़ी अच्छा है। एंड फायर लग चुकी है भाई हॉग राइडर के आगे। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हिलर, हाँ मुझे हिलर भी करनी है। एंड और क्या कर सकता हूँ यार मैं, एलिग्जर में करना पड़ेगा, ड्रैगन को 12 दिन 19 घंटे लगने वाले हैं। एंड बैलून कर सकता हूँ यार मैं, देखो डार्क ट्रूप में तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बॉलर्स बचे हैं, बाकी सारे के सारे अपने डार्क ट्रूप्स हैं ना वो मैक्स आउट हैं। एंड न्यू अपने को सीग मशीन भी अनलॉक करनी है गाइज, अभी न्यू सीग मशीन भी अनलॉक करनी है। एंड क्या करें भाई साहब, और क्या करें अपने को यार, यहाँ पे एलिग्जर यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, एलिग्जर को कहाँ पे यूज़ करूँ यार, क्योंकि एलिग्जर यूज़ करूँगा तभी अपने पास वो हो पाएगा। एंड पहले हम लोग यार स्कैटर शॉट को बिल्ड कर लेते हैं, पहला स्कैटर शॉट हम लोग यार यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे। एंड ये आ गया भाई साहब अपना पहला स्कैटर शॉट, 12 दिन लगने वाले हैं। एंड इसके ऊपर मैं कोई भी बुक वगैरह यूज़ नहीं करने वाला, ना ही जेम्स, क्योंकि हमारे पास इतने जेम्स है ही नहीं। तो गाइज अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे रून ऑफ गोल्ड भी है एंड रून ऑफ एलिग्जर भी है, एक बार शो में चलते हैं। एंड डिफेंसिस में अभी हमारे पास सिर्फ एक स्कैटर शॉट बचा है, क्या इसको बिल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, रुको यार अभी सोचने दो मुझे, अभी सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए पहले। एंड ओके गाइज हमारे पास यहाँ पे 20 लाख गोल्ड है अभी हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे रून ऑफ एलिग्जर भी पड़ी है हमारे पास, 6 वॉल्स ऑफ रिंग भी पड़ी हैं। एंड पहले हम लोग क्या करें, एंड सिकिंग एयर माइन को लगा देता हूँ, 16 लाख हमारा गोल्ड यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग यार यूज़ करेंगे यहाँ पे रून ऑफ गोल्ड, है ना, रून ऑफ गोल्ड को मैं अभी यूज़ कर देता हूँ, ठीक है गाइज। एंड ये हो गया भाई साहब अपनी रून ऑफ गोल्ड यहाँ पे यूज़, फिर से हमारे पास गोल्ड यहाँ पे फुल हो चुका है। एंड अभी हम लोग ऐसा करेंगे डिफेंसिस में स्कैटर शॉट को बिल्ड करूँ कि यार जो सेकेंड स्कैटर शॉट है अपना उसको बिल्ड करूँ या फिर कुछ और, आई थिंक यार न्यू डिफेंस स्कैटर शॉट को ही करना चाहिए, इन्फर्नो टावर्स, विजार टावर, नहीं ये सब तो यार बाद की चीज़ें हैं, पहले मुझे क्या करना चाहिए, स्कैटर शॉट को बिल्ड करते हैं, आई थिंक यार स्कैटर शॉट बिल्ड करना सही रहेगा। तो चलते हैं यार स्कैटर शॉट के पास एंड इसको यार यहाँ पे मैं बिल्ड कर लेता हूँ। तो यार ये हो जाएगा अपना सेकंड स्कैटर शॉट यहाँ पे बिल्ड। एंड अभी हमारे पास शॉप में कुछ नहीं है गाइज, शॉप में जो भी अपने को यार न्यू सामान मिलने वाला था वो हम लोगों ने बिल्ड कर चुके हैं। एंड अभी सिर्फ अपने को अपना बेस अपग्रेड करना है। एंड अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है गाइज अपग्रेड करने के लिए। एंड अभी हमारे पास रून ऑफ एलिग्जर भी है, लेकिन उससे पहले यार मेरे पास जो एलिग्जर है ना ये मुझे कहीं पर यूज़ करना पड़ेगा, क्या अपने को यहाँ पर वॉल्स करनी चाहिए, ऐसा करते हैं ना एलिग्जर को हम लोग यार वॉल्स के ऊपर यूज़ कर देते हैं। एंड ये हो गया भाई अपना एलिग्जर यहाँ पे यूज़, सो भी मैं यहाँ पे रून ऑफ एलिग्जर यूज़ कर लेता हूँ। एंड रून ऑफ एलिग्जर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर ली। एंड एक कोर है हमारे पास रून ऑफ एलिग्जर, सो इसको भी मैं यहाँ पे क्लेम कर लेता हूँ। सो अभी मैं एलिग्जर को कहाँ पे यूज़ करूँ यार, एलिग्जर को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एंड वर्कशॉप के ऊपर तो यार मुझे आई थिंक बुक ऑफ बिल्डिंग यूज़ करनी चाहिए या फिर एलिग्जर से करूँ, आई थिंक बुक ऑफ बिल्डिंग सही रहेगी यार, बुक ऑफ बिल्डिंग नहीं, हैमर ऑफ बिल्डिंग,
एंड हाँ ऐसा करते हैं ना, हम लोग यार हैमर ऑफ बिल्डिंग यूज़ करेंगे अपने सीख वर्कशॉप के ऊपर, एंड हमारा जो सीख बैरक्स है ना वो अनलॉक हो जाएगा, या फिर हम लोग हैमर ऑफ बिल्डिंग को ईगल आर्टिलरी के ऊपर करें। आई थिंक ईगल आर्टिलरी को हम लोग यार बाद में भी कर सकते हैं। सीख वर्कशॉप यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बंदों की यार सीख वर्कशॉप की ज़रूरत होती है। सो भी हम लोग ऐसा करते हैं ना, सीख वर्कशॉप को करूँ या फिर नहीं, ऐसा करते हैं सीख वर्कशॉप को कर ही लेते हैं। एंड ये गया भाई साहब अपनी सीख वर्कशॉप लेवल 4 के लिए, एंड यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है अपनी सीख बैरक्स, न्यू अपना सीख बैरक्स यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। सो अभी भी हमारे पास एलिक्सर तो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। सो एलिक्सर को मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, हमारे पास एक रून ऑफ एलिक्सर भी है एंड रून ऑफ बिल्डर गोल्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। सो ऐसा करते हैं लेबोरेटरी में चलते हैं, एंड लेबोरेटरी में कौन सा ट्रूप करें भाई साहब, इलेक्ट्रो ड्रैगन करना चाहिए क्या 12 दिन 19 घंटे? नहीं यार, इलेक्ट्रो ड्रैगन को नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं ना बैलून को करेंगे, एंड बैलून को करें या फिर नहीं। ओके तो गाइस बैलून को ही करेंगे, एंड बहुत लगने वाले हैं, इसको लगा दिया हम लोगों ने, एंड ये हो गया अपना बैलून यहाँ पे फिनिश नाउ। एंड बैलून्स भी अपना यार मैक्स हो चुका है लेवल 9 का, एंड न्यू लेवल ऑफ बैलून्स अभी देख सकते हो यार आर्मी कैंप में भी आ चुके अपना न्यू बैलून। सो अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, रून ऑफ एलिक्सर यूज़ करनी पड़ेगी आई थिंक। क्या करूँ यार, अभी हमारे पास बिल्डर गाइस एक ही फ्री है, सो अभी अपने को यार ध्यान से लगाना पड़ेगा जो भी यार अपने को अपग्रेड के ऊपर लगाना है। एंड क्या करें रिसर्च में अपने को आई थिंक हिलर्स लगानी चाहिए। सो पहले तो मैं रून ऑफ एलिक्सर यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। एलिक्सर हमारे पास एक बार फिर से यहाँ पे फुल हो चुका है, एंड पहले हम लोग यार यहाँ पे अपग्रेड के ऊपर लगा देते हैं। किसको लगाएं भाई साहब, होगा हम लोगों ने मैक्स कर लिए यहाँ पे बैलून मैक्स कर लिए। आई थिंक अभी अपने को हीलर लगानी चाहिए यार, क्योंकि क्वीन वॉक होग एंड क्वीन वॉक लावा लून बहुत अच्छी अटैक स्ट्रेटजीज हैं, एंड हीलर्स को लगा देता हूँ मैं। 12 दिन लगने वाले हैं इसको हीलर्स को लेवल कौन से इनका लेवल 6 होने के लिए, एंड मैक्स हो जाएंगी अपनी हीलर्स। तो यार अभी मैं यहाँ पे बुक ऑफ हीरो को नहीं क्लेम कर पाऊंगा, यहाँ पे बिल्डर पोर्शन आ जाएगा, डार्क एलिक्सर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, एंड एलिक्सर आ जाएगा यहाँ पे हीरो पोशन। नहीं इसको मैं नहीं अभी नहीं करूँगा, एंड पावर पोशन ट्रेनिंग पोशन भी है हमारे पास यहाँ पे, एंड ओके तो यार इसको सेल कर ही देता हूँ हीरो को, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है यार अपने को इसकी। एंड पावर पोशन हो जाएगा यहाँ पे, रुको नहीं इन सभी चीज़ों को मैं सेल नहीं करने वाला। एलिक्सर डार्क एलिक्सर यहाँ पे क्लेम हो जाएगा, हीरो पोशन को नहीं, इसको बचा लेता हूँ यार मैं। एंड बुक ऑफ स्पेल इसको भी नहीं यार, बुक ऑफ स्पेल भी यार अपने को कोई स्पेल अपग्रेड करनी चाहिए थी। आई थिंक हमारे पास डार्क एलिक्सर में एक ही स्पेल आई है न्यू, जिसका एक लेवल बड़ा है, वो अपनी स्केल्टन स्पेल। सो उसके साथ जो अपना बुक ऑफ स्पेल है ना, उसके साथ हम लोग यार अपनी स्केल्टन स्पेल को करेंगे बाद में, अभी नहीं कर पाएंगे। सो गाइज अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ अपग्रेड कर लिया, एंड एक बिल्डर हमारे पास यार अभी भी फ्री है। सो देख सकते हो हम लोगों ने क्या क्या अपग्रेड किया। एक तो हम लोगों ने यार रॉयल चैंपियन को बिल्ड किया, उसको यार लेवल 2 के लिए लगा दिया। सबसे पहले हम लोगों ने यार टाउन हॉल 12 को टाउन हॉल 13 किया, एंड ट्रीजरी कलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं, एंड दो के दोनों स्कैटर शॉट हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किए। ट्रूप्स में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया भाई साहब, एक तो बैलून को मैक्स कर लिया, होक्स को मैक्स कर लिया, एंड हीलर्स को लगा दिया अपग्रेड के ऊपर, सीख बैरक्स को भी हम लोगों ने लगा दिया, एंड पहले हमारे पास एक बिल्डर फ्री है ना, उसको हम लोग कहीं पे लगाएंगे। एंड 85 लाख हमारे पास गोल्ड है, एंड कहाँ पे लगाएं भाई साहब उस बिल्डर को हम लोग, मोटार को नहीं लगा पाऊंगा, ना ही आर्चर टावर्स को, एंड एयर डिफेंस के लिए इतना पैसा नहीं है हमारे पास। एंड एक बिल्डर फ्री है, उसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा यार अपने को, कहाँ पे लगाऊं? क्वीन को मैं स्लीप पे लगा देता हूँ, क्योंकि क्वीन का सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ पे लगाऊं भाई साहब, वार्डन को नहीं कर सकता यार मैं। सो अभी अपने को करना क्या है गाइस, वार्डन को भी नहीं कर पाऊंगा मैं, एंड अभी अपने को एलिक्सर स्टोरे लगा दूं क्या? ओके तो गाइस एलिक्सर स्टोरे को लगा देते हैं, 7 दिन 4 घंटे लगने वाले हैं, एंड ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको लगा देता हूँ मैं, चलो ठीक है गाइस। सो आज हम लोगों ने यार क्या क्या अपग्रेड कर लिया यहाँ पे, क्वीन को सबसे पहले तो हम लोगों ने 2 लेवल अपग्रेड कर लिया, टाउन हॉल 12 को टाउन हॉल 13 किया, दोनों के दोनों स्कैटर शॉट हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किए, लेबोरेटरी को अपग्रेड किया, एंड 2 ट्रूप्स भी मैक्स कर लिए, होक्स एंड बैलून को, एंड फिर हीलर्स को लगा दिया, एंड रॉयल चैंपियन को बिल्ड किया, रॉयल चैंपियन को लेवल 2 के लिए लगा दिया, एंड उसके बाद हम लोगों ने यार सीसी को भी अपग्रेड कर लिया, एंड उसके बाद गाइज हम लोगों ने यार अपनी सीख बैरक्स को भी अनलॉक कर लिया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यार बहुत कुछ अपग्रेड किया। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर 1% भी वीडियो अच्छी लगी ना तो फटाफट से यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.